हमारे गांव के 7 व्यक्ति जो 26 को दिल्ली में अरेस्ट किए गए हैं, हम उनके परिवारों से हैं। हमारा छोटा भाई गुरविंदर सिंह जो उसमें अरेस्ट हुआ है। असं 24 तरीक न दिल्ली ट्रैक्टर परेड के हिस्सा लैन गए, तो 26 असी उ ट्रैक्टर परेड के चले गए। असी जेडे बूट यूनियन ने बनाए सी असी उस रास्ते वापस टिकरी बार्डर आ रहे सी। उत्ते नगलोई थाना नेड़े टिकरी बार्डर उत्ते मुलाजमान ने सानू धोखे ना बुला के साडे बंदयां नू अरैसट कर लिया। मेरा बेटा सिमरजीत सिंह दिल्ली प्रोटेस्ट वास्ते 26 तरीक नू ट्रैक्टर ते गए सीगे। उन्हां नू जदों परेड मार्ग ते गए ते रास्ते विच आउण लग्या नू टिकरी बार्डर तों तकरीबन 3 किलोमीटर पिछे थाने च रोक के गिरफ्तार किया गया। उन्हां ने मुलाजमान ने फोन कराया भी तुहाडा बेटा साडे कोले आ। फिर उन्हें फोन करिया बेटे ने भी डैडी मैनू गिरफ्तार कर लिया सी पुलिस वाले ने, हुण सानू तिहाड़ जेल च छड्डन जा रहे आ। फिर असीं आख्या बेटे कोई गल नहीं, जे तिहाड़ जेल छड्डन जा रहे तुसीं किहड़ा कोई खरामी कट्टी है आपदे काम वास्ते, जिहड़े मतलब कि 3 कानून करे सी उन्हां वास्ते गए सीगे। कोई गल नहीं बेटे, जे तुहानूं अरैसट कर लिया कोई घबराउण दी गल नहीं, असीं तुहाडे पिछे आ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਮਾਰੇ 7 ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई थाने में भी ऐसा उसके ऊपर अपराध नहीं है जिसके चलते उनको ऐसा पकड़ लिया गया है। वहाँ असि आपके हक मंगन गए, हक ते खड़े हैं। हाँ जी असि आपके हक मंगते हैं, कोई घबराए नहीं। जो सब तो हक ही खोएगा, जमीन ही खोई गई, फिर साडा की जी होना, असि हक ते लड़ांगे। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਪਰ ਗਏ ਥੇ ਉਨਕੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਭਾਗ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਵੋ ਦਿਖਾਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਵੋ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਤੋ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। जो जो 3 बिल हैं जो हमको नहीं जिनके लिए बनाए गए हैं उनको नहीं, ये उनको लगता है कि हमको लगता है कि ये गलत है, तो फिर हमको जो 3 बिल नहीं चाहिए तो वो क्यों हमारे पर थोप रहे हैं?